वाहे गुरू, वाहे गुरू, वाहे गुरू। Good morning to you all. Today's morning hukum nama from Shri Darbar Sahib Amritsar is by Shri Guru Arjan Dev Ji in Raag Surat Ang 6.14 of Shri Guru Granth Sahib Ji. Let's read it, understand, so that we can implement in our day-to-day -day life. Satnam, Naam Shri Sahibji Sahib Ji, Sorat Mahalla, Panjwa. मृतक को पायो तन सासा बिचरत आन मिलाया इनफ्यूजेस द ब्रेथ इनटू द डेड बॉडीज एंड ही रियुनायटेड द सेपरेटेड वंस पशु प्रेत मुगत पय सरोते हर नामा मुख गाया इवन बीस डेमन्स एंड फूल्स बिकम अटेंटिव लिसनर्स व्हेन ही सिंग्स द प्रेजेस ऑफ द लॉर्ड्स नेम पूरे गुर की देख वड़ाई बीहोल्ड द ग्लोरियस ग्रेटनेस ऑफ द परफेक्ट गुरु ताकि कीमत कह न जाई रहा हो हिज वर्थ कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड नो लेट्स रिलेट दिस विद विदाउट डे टू डे लाइफ सो दैट वी कैन इट टूडे आपके पास कितने एसेट्स हैं दिस यू कैन मेजर इन नंबर्स बट हाउ मच करेज यू हैव हाउ गुड इज योर सेल्फ स्टीम आप में कितनी कैपेबिलिटी है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की ये आप नंबर में मेजर नहीं कर सकते हो हमारे कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं कुछ फ्यूचर के फियर्स होते हैं जिनको हम कह सकते हैं सफ़रिंग ऑफ द पास्ट एंड सफ़रिंग ऑफ द फ्यूचर जिसकी वजह से हमारा कई बार जो सेल्फ़ इस्टीम है वो एकदम लो हो जाती है हमारा कॉन्फिडेंस लेवल चला जाता है फिर हमारे पास एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है उस पाक को रीगेन करना जो हमारा लॉस्ट कॉन्फिडेंस है सेल्फ इस्टीम है उसको रीगेन करना so the entire challenge of life is to regain the lost confidence. आप किसी एनिमल को पकड़ के देखो वो अपनी जान बचाने के लिए भागेगा उस वो एकदम प्रेजेंट हो जाएगा कि अब उसकी जो लाइफ है वो खतरे में है और ह्यूमन बीइंग्स दे आर द मोस्ट इवॉल्ड क्रिएचर्स विद द कॉम्प्लेक्स न्यूरोलॉजिकल सिस्टम ह्यूमन बींग्स में दो बहुत बड़ी कैपेबिलिटीज़ हैं दैट इज़ विविड सेंस ऑफ मेमोरी एंड फिंटेस्टिक सेंस ऑफ इमेजिनेशन बट हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरह का है कि राइट फ्रॉम द प्री प्राइमरी एजुकेशन टू द डॉक्टरेट डिग्री सब कुछ सिखाया जाता है बट सेल्फ के बारे में नॉलेज दी ही नहीं जाती फिर उसका रिजल्ट क्या होता है ये जो दो बहुत बड़ी कैपेबिलिटीज़ हैं विविड सेंस ऑफ मेमोरी एंड फिंटास्टिक सेंस ऑफ इमेजिनेशन दे गो अगेंस्ट अस होना क्या चाहिए जो हमारी मेजर फैक्लिटीज़ हैं उनमें एक डिसिप्लिन होना चाहिए बिकॉज अगर वो डिसिप्लिन में रहेंगी तो हमारा जो प्रेजेंस ऑफ माइंड कहीं नहीं जाएगा हमारा माइंड जो है वो हमारे काबू में रहेगा बट क्योंकि सेल्फ की नॉलेज नहीं दी जाती इसलिए माइंड गोज़ रियली है आप देखते हो कितने लोग सुसाइड कर लेते हैं और एक सुसाइडल नोट छोड़ जाते हैं दैट नो वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माई डेथ क्योंकि उनका माइंड उनके अगेंस्ट काम कर जाता है सो so, अब इसकी क्या की है हाउ टू रीगेन दैट स्पार्क इन लाइफ किस तरह से इंश्योर करे दैट लाइफ इज रियली स्पार्कलिंग लाइफ इज रियली बबलिंग विद लाइफ यू मस्ट हैव समोकस समवेयर दैट योर लाइफ इज वर्थ वाइल अब इसमें क्या है ना टाइम इज द मेजर इन्ग्रीडियंट सो पॉइंट इज दैट अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ टाइम एंड डिसाइड वेर यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट योर लाइफ मेक श्योर दैट योर लाइफ इज इन्वेस्टेड इन समवेयर विच इज़ वर्थ वाइल तो आज एक असाइनमेंट करते हैं ट्राई टू फाइंड योर वर्थ वाइड ऐसा कौन सा काम है जिससे आप बहुत इंस्पायर्ड हो और आप अपना टाइम उसमें इन्वेस्ट करिए सो दैट योर लाइफ बिकम्स वर्थ वाइड आज इसको देखिए फाइंड आउट वॉट इज द पर्पज़ ऑफ़ योर लाइफ ऐसा कौन सा काम है वे यू वुड लाइक टू इन्वेस्ट योर टाइम और आप अपना कंप्लीट फोकस उस पर कर सकते हो ट्राई टू फाइंड इट आउट एंड देन शेयर विद मी What did you find? Be balanced, be happy.